2024 के रण में पश्चिम बंगाल की राजनीति में रोज नए नए आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज रायगंज से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली के दौरान दो नए आरोप केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगाए। पहला आरोप ममता बनर्जी ने लगाया कि जो जुडिशियरी है कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में, वहां पर केंद्र सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी दरअसल एक ऐसे मामले के बारे में बात कर रही थी जिसका फैसला आज आया है, यानी शिक्षा भर्ती घोटाला। शिक्षा भर्ती घोटाले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया, जिसमें 2016 का जो पैनल था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया है। लगभग 24,000 परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण हुए थे और जिन पर आरोप लगा था कि वो गलत तरीके से उन्होंने ये जॉब हासिल की है, उन सभी का जो जॉब था, जो नौकरी थी, उसको भी रद्द कर दिया है और उनको जो वेतन लिया है उन्होंने उसको भी वापस करने का आदेश दे दिया है। इसी पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ। और इसके साथ साथ ही आरोप मढ़ दिया कि केंद्र सरकार ने भाजपा के लोगों को जुडिशियरी में बैठा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से जो लिख कर दिया जाता है वही जुडिशियरी पढ़ देती है और वही सुनाती है। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो उन्होंने कहा है, ऐसे में उनके खिलाफ अगर डिफेमेशन, मानहानि का मामला करना है तो किया जाए, उन्हें जेल में भेजा जाए तो भेजा जाए, लेकिन वो लोगों की बात कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आज ममता बनर्जी ने एक नया आरोप जड़ा, वो ये कि बालूरघाट में दो दिन पहले एक घटना हुई है, वहां पर ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीएसएफ की ओर से एक माइनॉरिटी गांव में बीएसएफ की टीम घुसी, वहां पर बीएसएफ की ओर से गांव वालों से कहा गया कि आपको बीजेपी को वोट देना है। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो बीएसएफ ने गोली चलाई जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसके ही परिजनों ने कंप्लेन की है, जो कंप्लेन ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि उनके पास है और उसी के अनुसार वो ये दावा या बात कह रही हैं। जबकि हमने बीएसएफ से इस बारे में जब बात की तो बीएसएफ का कहना है कि घटना 19 तारीख को ही जब कुछ स्मगलर्स इस पार से उस पार, यानी भारत से बांग्लादेश की ओर कुछ जो नशीले पदार्थ हैं उनको फेंस के ऊपर से फेंकने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ा गया और इस दौरान धक्का मुक्की शुरू हुई। काफी सारे जो बदमाश हैं वो एकत्रित हो गए, बीएसएफ पर हमला किया गया। बदले में बीएसएफ ने जो पंप एक्शन गन होती है, पहले तो स्टन ग्रेनेड से फायर किया, स्टन ग्रेनेड फेंका, लेकिन उसके बाद भी जब हमला जारी रहा तो बीएसएफ ने पंप एक्शन जो गन होती है उससे फायरिंग किया, जिससे जो नीचे का पोर्शन है एक व्यक्ति का वो घायल हो गया और बीएसएफ का दावा है कि उसने खुद ही उस घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस वक्त बंगाल की राजनीति में लगातार आ रहे हैं और जो चुनावी घमासान है और ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने आज सीपीएम कांग्रेस को भी पूरे इस रैली के दौरान कहा कि वो बीजेपी का साथ दे रही है, बीजेपी से मिली हुई है। जबकि अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी खुद बीजेपी से मिल गई है, बीजेपी से सेटिंग कर ली है। दरअसल जो अलायंस हुआ है इंडिया ब्लॉक, उस पर राजनीति छिड़ी हुई है ममता बनर्जी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन वो दिल्ली या बाहर में इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ममता बनर्जी ने यहां पर सेटिंग कर ली है, वो नहीं चाहती कि इंडिया ब्लॉक हो, इसीलिए वो इस तरह की बातें कह रही हैं। फिलहाल ये राजनीति चरम पर हो रही है और अभी दूसरे चरण का चुनाव होना है, ऐसे में और भी काफी चरण, 7 चरण तक पश्चिम बंगाल में चुनाव है और धीरे धीरे ये जो सीटें हैं ये बढ़नी शुरू होंगी, ऐसे में जो राजनीति है वो भी और घमासान होगी, इतना तो तय है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।